कंपैरिजन तो हमने कर लिया, अभी देते हैं कंक्लूजन। लेकिन मुझे इन दोनों स्मार्टफोन में Honor 9 Lite और Honor 7X, ये दो ऐसे स्मार्टफोन्स हैं सेम ब्रांड से जो कि सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं, जो कि काफी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ, और ये सिमिलर प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही आते हैं। तो ये दोनों स्मार्टफोन काफी अट्रैक्टिव लुकिंग है, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ काफी अच्छे प्राइस रेंज में आते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से है जो कि कंफ्यूज्ड है इन दोनों स्मार्टफोन को लेके, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों का स्पेसिफिकेशन को डिटेल में कंपेयर करूंगा आपके सामने, और देखूंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन वाइज कंपेयर करने के बाद मैं इन दोनों स्मार्टफोन को अपना वोट दूंगा कि स्मार्टफोन को किस स्पेसिफिकेशन के लिए कौन सा वोट जाता है, और एंड में मैं एक कंक्लूजन करूंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा अगर आपका बजट 10 से 15,000 रुपीस के बीच में है और आपको Honor का एक स्मार्टफोन परचेस करना है। तो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा समय निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, और हाँ, घंटी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं Honor 9 Lite की 3GB और 32GB स्टोरेज के साथ जो वेरिएंट आता है जिसका प्राइसिंग है फ्लिपकार्ट के अंदर 11,000 रुपीज, उस वेरिएंट को कंपेयर करूंगा Honor 7X की जो 4GB और 32GB का मॉडल है जिसका प्राइसिंग है 13,000 रुपीज Amazon के अंदर। तो इस दो पर्टिकुलर मॉडल को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं, इस कंपेरिजन वीडियो को मैं जितना हद तक हो सके फेयर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की। तो Honor 9 Lite के अंदर आपको एक फुल मेटल यूनिबॉडी बिल्ड देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके पीछे आपको एक ग्लास फिनिश देखने को मिल जाती है जो कि काफी अट्रैक्टिव है और रिफ्लेक्टिव भी है, और इसके पीछे और सामने आपको दोनों तरफ 2.5D कर्व ग्लास का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो लुक्स वाइज और बिल्ड वाइज ये Honor 9 Lite डेफिनेटली इस Honor 7X को टक्कर देता है। और Honor 7X की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है, और सामने की तरफ आपको 2.5D कर्व ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं अपना जो वोट है वो दूंगा Honor 9 Lite को। और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे Honor 9 Lite के अंदर डिस्प्ले आपको मिल जाता है 5.65 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, और इसके अंदर आपको 80:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और 2.5D कर्व ग्लास के साथ, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बोल दिया है, और इसके पीछे भी आपको 2.5D कर्व ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे Honor 7X की बात करो तो इसके अंदर आपको 5.93 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, और ये सामने की तरफ आपको 2.5D कर्व ग्लास सपोर्ट के साथ ये Honor 7X का डिस्प्ले देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले वाइज मैं यहाँ पे Honor 7X को अपना वोट दूंगा, क्योंकि यहाँ पे Honor 7X में आपको थोड़ा सा बड़ा एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि आपको थोड़ा सा बेहतर एक डिस्प्ले क्वालिटी आपको Honor 7X में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप मुझे गलत मत समझिए, यहाँ पे Honor 9 Lite के अंदर भी आपको बहुत ही बेहतर एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइज को मैटर करके यहाँ पे मैंने Honor 7X को अपना वोट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ पे Honor 9 Lite के अंदर आपको Kirin का 659 का प्रोसेसर मिलता है, और यही सेम प्रोसेसर आपको Honor 7X के अंदर भी देखने को मिल जाता है, और दोनों ही एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और Honor के अपने प्रोसेसर है जो कि Kirin प्रोसेसर। तो Honor तो अपने स्मार्टफोन के अंदर यही Kirin का प्रोसेसर यूज करता है, फ्लैगशिप हो या फिर मिड रेंजर कैटेगरी के स्मार्टफोन हो। तो ये प्रोसेसर इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन का 625 का जैसा ही इसका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसेसर वाइज दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ठीक ठाक प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, दोनों को ही मैंने अपना वोट दे दिया। और दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टोरेज और रैम की। तो रैम आपको Honor 9 Lite के अंदर मिल जाते हैं 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पे Honor 7X के अंदर आपको 4GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रैम और रोम दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको ठीक ठाक मिल जाती है। 3GB रैम ऐसा नहीं है कि 4GB से इतना ज्यादा कम है कि बहुत ही स्लो काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैम और रोम ठीक ठाक है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। और यहाँ पे Honor 7X के अंदर आपको हालांकि 1GB रैम ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 2,000 रुपीज ज्यादा भी पे करना पड़ता है, तो इसको आप माइंड में रख लीजिए। और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि रैम और रोम के मामले में भी दोनों ही फोन के अंदर एक टाई होता है, सिमिलर कैटेगरी के ये रैम और रोम आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैं अपना वोट दोनों ही स्मार्टफोन को रैम और रोम के कैटेगरी में देना चाहूंगा। और दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्जन की। तो एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो यहाँ पे Honor 9 Lite डेफिनेटली बाजी मार लेता है, लेकिन Honor 7X भी कम नहीं है।
तो यहाँ पे Honor 9 Lite के अंदर आपको Android Oreo 8.0 का लेटेस्ट Android वर्जन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे Honor 7X के अंदर आपको फिलहाल तक तो Android Nougat का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन एक मंथ के अंदर ही आपको जो है Android Oreo का सपोर्ट भी मिल जाएगा इस Honor 7X के अंदर। तो यहाँ पे भी दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर टाई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लेटेस्ट फीचर की वजह से Honor 9 Lite को यहाँ पे अपना वोट देना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ हफ्ते बाद ही यहाँ पे Honor 7X भी लेटेस्ट फीचर सपोर्ट करने लगेगा। सो दोस्तों उसके बाद बात कर लेते कैमरा की। तो कैमरा की बात करो तो यहाँ पे Honor 9 Lite Honor 7X से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको चार कैमरास देखने को मिल जाता है, जो कि सामने भी आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है कुछ बोके इफेक्ट्स के साथ जो कि सॉफ्टवेयर लेवल में है, और इसके पीछे भी आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। तो Honor 9 Lite के अंदर आपको चार कैमरास देखने को मिल जाते हैं जो कि क्वाड कैमरास भी हम बोलते हैं, और यहाँ पे Honor 7X के अंदर आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है और सामने आपको और एक कैमरा देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे तीन कैमरास आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन Honor 9 Lite के अंदर आपको एक बेहतर सेल्फी देखने को मिल जाएगी। तो मैं अपना वोट कैमरा के लिए Honor 9 Lite को मैं अपना वोट दूंगा। और दोस्तों उसके बाद बात कर लेते बैटरी कैपेसिटी की। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो Honor 9 Lite में आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और Honor 7X के अंदर आपको 3340 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और Honor 7X यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर पाएगा, लेकिन डे टू डे यूसेज में आपको इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। तो मैं अपना वोट यहाँ पे फिलहाल तो Honor 7X को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिर भी आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर ठीक ठाक बैटरी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद बात कर लेते सेंसर्स की। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको सिमिलर सेंसर देखने को मिल जाता है, इसका मतलब यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाता है, और दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको जायरोस्कोप का सेंसर अनफॉर्चुनेटली मिसिंग मिलता है। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के अंदर फिंगरप्रिंट है लेकिन जायरोस्कोप मिसिंग है। तो और बाकी जो एम्बिएंट लाइट सेंसर है, बाकी सब सेंसर है, आपको टिपिकल से सेंसर देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। सो यहाँ पे सेंसर वाइज भी दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर मेरा वोट जाता है, तो यहाँ पे एक टाई है। और दोस्तों उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो सारे ही स्पेसिफिकेशन के बाद आपने तो समझ लिया होगा कि यहाँ पे Honor 9 Lite थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा 0.1% यहाँ पे बेहतर है Honor 7X के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे Honor 9 Lite Honor 7X को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ देता है, क्योंकि Honor 9 Lite आपको 2000 रुपये कम में मिल जाता है। तो अगर आपका जो बजट है वो 13000 रुपीज है, तो आप 2000 रुपीज से कुछ और भी परचेस कर पाएंगे, और यहाँ पे 11000 रुपीज में ही आपको एक बेटर लुकिंग डिवाइस मिल जाएगा इस 11000 रुपीज के अंदर, जो कि है Honor 9 Lite। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं आप सबको जो स्मार्टफोन सजेस्ट करूंगा, तो आप सब भी समझ गए होंगे कि Honor 9 Lite यहाँ पे मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, यही आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन होगा अगर आपका जो बजट है वो 10-15000 रुपीज के बीच में है। और यहाँ पे Honor 7X भी इतना बुरा है नहीं, अगर आपको पर्सनली Honor 7X ज्यादा पसंद आता है तो आप Honor 7X के साइड में भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरा ओपिनियन मांग रहे हो, तो यहाँ पे मैं आप सबको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप इस Honor 9 Lite को परचेस करें, तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होंगे नहीं इस स्मार्टफोन को परचेस करने के बाद। सो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूशन तो मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी एक लास्ट चीज मैं आप सबको बोल दूं कि Honor 9 Lite को परचेस कीजिए, इसके अंदर आपको बेटर कैमरास मिल जाएंगे, लेटेस्ट ओरियो का अपडेट मिल जाएगा, ओवरऑल एक बेटर लुकिंग डिवाइस आपको मिल जाएगा एक चीपर प्राइस के अंदर। सो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और आप सबके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल टेक्नोलॉजी रिलेटेड अलग टाइप के वीडियो लाने के लिए। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।